धुले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धुले, धुलिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये एस्टीमेट है क्वार्टर का और ये उसके ड्राइंग्स हैं, ये उसका पीडीएफ है एस्टीमेट का। 2022-23 का एसएसआर इस्तेमाल करके एस्टीमेट बनाया गया है और जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट लिए गए हैं ये 2024-25 के लिए गए हैं। तो ये उसका ड्राइंग है और ये एसएसआर है और ये उसका पीडीएफ फॉर्म में एस्टीमेट है। तो पहले हम एक्सेल में देख लेते हैं एस्टीमेट को, फिर पीडीएफ में देखेंगे। जो पहली शीट होती है वो कवर शीट होती है, जिसे फ्रंट शीट भी कहा जाता है। इस शीट के ऊपर आपको डिपार्टमेंट का नाम मिलता है, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसके बाद किस रीजन में आता है, किस सर्कल में आता है, उस तरीके से यहाँ पर पहले पेज पर होता है। फिर डिटेल एस्टीमेट है ये, और इस एस्टीमेट में 2022-23 का एसएसआर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे टाइप किया गया है। ये नेम ऑफ वर्क है और ये उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। पहले पेज पर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी मिल रही है, नेम ऑफ वर्क भी मिल रहा है। उसके बाद की जो शीट होती है वो फंड एड शीट होती है। फंड एड शीट पर भी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगी, नेम ऑफ वर्क मिलेगा। इसी तरीके से इस एस्टिमेट को किसने बनाया और कौन चेक करेगा उनका नाम भी होता है। हमने यहाँ सिर्फ अभी इंजीनियर लिखा है, जेई लिखा है। उसके बाद की एक शीट होती है जिसे जीडी कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। हमने वो नहीं बनाई है क्योंकि वो डिपार्टमेंट बनाने वाला है। इसी तरीके से जीडी के बाद की जो शीट होती है वो रिकैपिटुलेशन शीट होती है, जिसे जनरल एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें दो तीन चीजें रहती हैं। पहले तो पार्ट ए रहता है, पार्ट ए कॉस्ट ओवर पोर्शन होता है, और दूसरा जो होता है पार्ट बी होता है। पार्ट ए पर कॉन्ट्रेक्टर अपना रेट कोट करता है और पार्ट बी पर अपना रेट वो कोट नहीं कर सकता, उसे अबव या बिलो नहीं दिया जाता है। जो फिक्स अमाउंट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है या टेंडर की कॉस्ट है, वही अमाउंट उसे दी जाएगी। उसके बाद टैक्सेस होते हैं। ये टैक्सेस पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कोई लोग उसे पार्ट ए पे लगाते हैं, कुछ लोग उसे पार्ट और बी की प्लस करके फिर उस पर टैक्सेस लगाते हैं। खासतौर से जो जीएसटी होता है, कुछ लोग उसे पार्ट ए पर लगाते हैं और कुछ लोग पार्ट ए और पार्ट बी पर भी लगाते हैं, और बाकी के जो चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो पार्ट ए पर लगाए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बातें हो सकती हैं। अगर आप एस्टीमेट बनाते हैं तो जो डिपार्टमेंट कहता है वो करना जरूरी होता है। उसके बाद की जो शीट है वो अब्स्ट्रैक्ट शीट है। अब्स्ट्रैक्ट शीट भी महाराष्ट्र लेवल पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर देखो एक फॉर्मेट है अब्स्ट्रैक्ट शीट का, जिसमें आइटम नंबर होता है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, रेट, यूनिट और अमाउंट। ये आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, एसएसआर आइटम नंबर, यूनिट, क्वांटिटी, ये चीजें मेजरमेंट शीट से आती हैं। रेट रेट एनालिसिस से आता है। क्वांटिटी और रेट का यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। अब्स्ट्रैक्ट शीट का दूसरा तरीका ये है कि पहले आइटम नंबर रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद रेट, यूनिट और अमाउंट। इसके अलावा भी तरीके रहते हैं अब्स्ट्रैक्ट की। कुछ लोग क्वांटिटी के नीचे यूनिट भी लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर लिखते हैं, कुछ लोग 1 क्यूबिक मीटर लिखते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट पूरे महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। उसके बाद की जो शीट होती है वो मेजरमेंट शीट होती है। मेजरमेंट शीट में हम डिटेल मेजरमेंट को टाइप करते हैं, एक सीक्वेंस से टाइप किया जाता है, लेकिन एस्टिमेट के सीक्वेंस और एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस हमेशा मैच होगी ऐसा कभी नहीं होता है। एस्टिमेट का एक अपना पैटर्न होता है और काम करने का अपना एक पैटर्न होता है। जो एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस होती है वो बिल के रिलेशन से ताल्लुक रखती है, बिलिंग से, और एस्टिमेट में थोड़ा फर्क हो सकता है। उसके बाद की जो शीट होती है वो रेट एनालिसिस होता है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एस्टिमेट है, तो इसमें 5% एड हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रेट एनालिसिस ये किस तरीके से बनाया जाता है। पहले आइटम नंबर एक की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए आइटम नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, एसएसआर आइटम नंबर है, और ये एसएसआर से आया हुआ रेट है। उस इस रेट में से 21% माइनस होते हैं। उसके बाद अगर
ये कंक्रीट का आइटम है और इसमें स्काडा वर्डिंग है तो 126 रुपए माइनस होते हैं। ये एक्सकेवेशन का आइटम है, इसमें स्काडा नहीं है। फिर ये 1, 2, 3, ये तीनों की यहाँ पे टोटल आती है। इस टोटल के ऊपर ये परसेंटेज ऐड हुए हैं। उसके बाद लीड ऐड होता है, ये एक्सकेवेशन का आइटम है, इसमें लीड नहीं है। उसके बाद दोबारा 21% ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि ये दोनों अमाउंट एक जैसी होना जरूरी है। ये इस अमाउंट के ऊपर वो 21% माइनस यहाँ पर हुए हैं और इसी अमाउंट पर 21% यहाँ पर ऐड हुए हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल होती है, जो सब टोटल आई है हमारी, ये यहाँ तक टोटल होती है। फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है तो एस्केवेशन फर्स्ट फ्लोर पे कभी आइटम आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1% ऐड नहीं हुए हैं। इस अमाउंट पे ऐड होते हैं अगर 1% ऐड होना है तो। उसके बाद 1, 2, ये दोनों की टोटल यहाँ होती है, जो फर्स्ट फ्लोर के लिए रेट होता है। मैं एक कॉन्क्रीट का आइटम बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो आइटम है ये है कॉलम का, तो ये आइटम नंबर है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये SSR नंबर है, ये उसका रेट है। 21% माइनस हुए हैं इस अमाउंट पे। इसमें स्काडा वर्डिंग आता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 नंबर पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये स्काडा वर्ड आता है, PLC स्काडा, तो स्काडा माइनस किया है हमने यहाँ पर 6 नंबर पे। तो ये 1, 2, 1, 2, 3, ये तीनों की टोटल यहाँ आई है। इस टोटल के ऊपर ये 5% ऐड हुए हैं। ये लीड चार्जेस है, इसे सीमेंट सैंड क्रश मेटल लगता है, इसकी लीड की टोटल है। और इस तरीके से देखिए 1, 2, 3 की ये टोटल है। इस टोटल के ऊपर ये 5% ऐड हुए हैं। उसके बाद ये लीड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 21% है ये दोबारा ऐड होता है। ये अमाउंट और ये अमाउंट एक जैसी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये टोटल है जो कि यहाँ से आती है, सब टोटल से यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये सब टोटल हमारी एफ के अंदर है। उसके बाद ये 1% ऐड होगा, कॉलम का आइटम है, फर्स्ट फ्लोर पर भी आएगा। तो ये जो 1% है इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये जो सब टोटल है उस पर ये 1% ऐड होते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर का रेट और ये 1% जो फर्स्ट फ्लोर के लिए ऐड हुआ है, ये दोनों का अगर यहाँ डबल क्लिक करें तो दोनों का यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। एनालिसिस पूरे महाराष्ट्र लेवल पे कई तरीके के चल रहे हैं। कुछ लोग 21% माइनस करते हैं और प्लस भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। पीडब्ल्यूडी के 2 तरीके के रेट एनालिसिस हो जाते हैं। अगर कोई परसेंट ऐड हो रहे हैं, चाहे वो 5% हो, 4% हो, 10% हो, या कोई भी परसेंट हो, या G+1 की बिल्डिंग है या उससे बड़ी बिल्डिंग है, उसमें भी परसेंटेज ऐड होते हैं, तब भी ये 21% का प्लस और माइनस होता है। अगर ये कोई भी परसेंटेज ऐड नहीं हो रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी का एक दूसरा फॉर्मेट होता है, जिसमें ये 21% को नहीं लिया जाता है। अगर परसेंटेज ऐड हो रहे हैं तभी लिया जाता है। और कुछ लोग 21% की जगह 1% भी लेते हैं, कोई 2 लेते हैं, अलग अलग भी लिया जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं, जैसे जिला परिषद धुलिया के अंदर ये 21% किसी भी तरीके से नहीं लिया जाता है, चाहे परसेंट ऐड हो या ना हो। तो ये टेबल फॉर्मेट में भी रेट एनालिसिस होता है और एक वर्टिकल फॉर्मेट में भी रेट एनालिसिस होता है। उसके बाद एक मटेरियल की शीट होती है। ये मटेरियल की शीट हम खास तौर से इसलिए बना रहे हैं कि हमें टेस्टिंग के लिए भी काम आएगी और रॉयल्टी चार्जेस के लिए भी काम आएगी। उसके बाद कॉरी शीट होती है, जिसमें हम ये लीड चार्ट को बनाते हैं और ये जो मटेरियल है ये किस डिस्टेंस से आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे एक चार्ट या ड्राइंग वगैरह बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एक बार PDF में देख लेते हैं कि कौन कौन सी शीट होती है इस एस्टिमेट में, और उसके बाद फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। इस एस्टिमेट का देखो जो पहली शीट है वो है कवर शीट। कवर शीट के अंदर आपको नेम ऑफ वर्क भी मिलेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी मिलेगी, और साथ ही साथ किस डिपार्टमेंट का एस्टिमेट है वो भी मिलेगा। उसके बाद फंडेड शीट होती है। फंडेड शीट में भी आपको किस डिपार्टमेंट का है ये एस्टिमेट ये मिल जाता है, नेम ऑफ वर्क मिलता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलती है, और साथ ही साथ एस्टिमेट प्रिपेयर बाय और एस्टिमेट चेक बाय भी मिलता है। उसके बाद जो शीट होती है वो जनरल रिपोर्ट या जनरल डिस्क्रिप्शन की होती है। इस शीट को हमने नहीं बनाया है, इस शीट को डिपार्टमेंट बनाने वाला है। उसके बाद की जो शीट है उसे रिकेपिटुलेशन शीट कहा जाता है और इसे जनरल अब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है वही टेंडर का पार्ट होता है। पार्ट ए के ऊपर कॉन्ट्रेक्टर अपना रेट कोट करता है, पार्ट बी के ऊपर अपना रेट कॉन्ट्रेक्टर
वो अबव या बिलो का कोट नहीं कर सकता। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आइटम नंबर मिलेगा आपको, क्वांटिटी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बहुत सारे एस्टिमेट में आपको ये एसएसआर नंबर यहाँ लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। रेट होता है, यूनिट होता है, क्वांटिटी और रेट का कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। कुछ एस्टिमेट में आपको ये क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन के बाद भी मिल सकती है। उसके बाद की जो शीट है हमारी, वो मेजरमेंट शीट होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारी और ये हमारी मेजरमेंट शीट है। मेजरमेंट शीट के बाद हमारा होता है रेट एनालिसिस। तो ये पूरी मेजरमेंट शीट के बाद हमारा आएगा यहाँ पर रेट एनालिसिस। तो ये हमारा रेट एनालिसिस है। थोड़ा इसे जूम आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये रेट एनालिसिस है हमारा। रेट एनालिसिस के बाद देखिए, ये मटेरियल की शीट है हमारी। ये मटेरियल की शीट है जो कि हमने रॉयल्टी और क्वालिटी के लिए बनाई है। और उसके बाद ये कॉरी चार्ट है और उसके बाद ड्राइंग होता है। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट में चीजें बताई है कि इस एस्टिमेट में क्या क्या था और क्या क्या